आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन यानी कि आपके अंदर का अनुशासन, आपने जो सपने देखे हैं और उनकी जो प्राप्ति होनी है उनके मध्य का सेतु है। अगर आप अपने आप को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, देखिए डिसिप्लिन सही मायने में जो व्याख्या की जाती है वो तो सैनिकों वाला डिसिप्लिन है ना। क्या कारण है कि सैनिक बहुत बड़े बड़े काम को बहुत ही समझदारी पूर्ण तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिसिप्लिन आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आप अपने घर में रोजाना घर के सभी कामों को बहुत ही अनुशासित तरीके से होते हुए देख सकते हैं। आप कभी सुबह बैठकर और शाम तक की पूरी घटनाओं पर अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर का हर कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अनुशासित है। यही कारण है कि आपको समय से भोजन मिलता है, यही कारण है कि आप समय से रात्रि का विश्राम करते हैं, यही कारण है कि बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, पापा अपने ऑफिस या कारोबार संभालते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपके घर में भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। होता क्या है ना, हम अपने विद्यार्थी जीवन में अपने आसपास में उपस्थित इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं से और मोटिवेशन हमको मिलेगा तब जाकर हम मोटिवेट होंगे। वास्तविकता में आपके चारों तरफ इतनी जबरदस्त कहानियां बिखरी हुई हैं। आप जरा विचार करिए, क्या कारण है कि आज आपके शहर में बिजली का एक नियत समय है आने का, बिजली का कटौती का। बिजली की कटौती भी उसी समय पर होती है जिस समय बताई गई है। निश्चित ही वहां पर भी डिसिप्लिन चल रहा है, लेकिन विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ते समय बस इसे गायब कर देता है। कोई दोस्त आया, उसने कहा कि यार आजा चाय पीने बैठेंगे, आप चाय पीने चलते हैं। आपने अपनी कुर्सी से उठना प्रेफर किया, आप उठकर चल दिए, दूसरी जगह जाकर बैठ गए। आपके पढ़ने का टाइम था, आपके घर वालों में से या किसी ने भी आपको किसी और काम के लिए भेज दिया, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आपने कहा ठीक है, घर के बड़े बोल रहे हैं तो कर ही लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि आपकी माताजी खाने वाले खाने के टाइम पर जब घर का खाना बन रहा होता है और उनको पड़ोस की आंटी अगर किसी और काम के लिए ले जाएं तो क्या कभी वो जाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी तो वो काम किसी और को बता के जाएंगी कि आप ये काम करके रखिए। कई बच्चों की मदर सर्विंग होंगी तो वो अपने काम को या तो पहले करके जाती हैं या किसी को बता के जाती हैं कि ऐसे ऐसे इसको करना है। विद्यार्थी जीवन में हम अपने इस काम को बड़े हाशिए पे रखते हैं। सेकेंडरी है हमारे लिए पढ़ाई, और यही कारण है कि पढ़ाई भी अपनी उपलब्धियां जब बांटने का टाइम आती है तो हमें सेकेंडरी स्थान पर ही रखती है, हमें कभी प्राथमिक पोजीशन देती ही नहीं है। विचार कीजिए, कभी इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कीजिए, क्या कभी आपने देखा है कि आपके पापा जब ऑफिस जाने वाले हों उनको आपने उस समय कोई काम दे दिया हो, वो उस काम को किसी और टाइम करना प्रेफर करते हैं। फिर हम बालक जो पढ़ाई करने बैठते हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो पढ़ते समय अगर कोई व्यवधान आए तो उसे सीधे ही सॉल्व करने क्यों लग जाते हैं? उन्हें किसी ने कहा कि चलो यहां चले आओ तो वो चल पड़ते हैं, जैसे उनके लिए पढ़ाई सेकेंडरी चीज है। याद रखिए, जब तक आपकी प्राथमिकता में आपके अपने काम नहीं होंगे तो आप अनुशासित नहीं होंगे। आपकी प्राथमिकता है आपका काम, आपकी पढ़ाई, आप इन्हें जब तक तवज्जो नहीं देंगे ये भी आपको तवज्जो नहीं देने वाली, ये भी आपको वैल्यू नहीं देने वाली। इसे गांठ बांध लीजिए।